सबको जय यीशु की। संडे पासवर्ड टू द वर्ल्ड इस शीर्षक के अंतर्गत हर एक इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की विशेष शक्ति, सामर्थ्य, कृपा और अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के दिन में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी प्रभु यीशु का स्वर्ग रोहण का पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु के जीवन के तमाम रहस्य में से प्रभु का स्वर्ग रोहण का पर्व एक महान रहस्य है। सबसे पहले हम लोग प्रभु यीशु मसीह के उस रहस्य को हम याद करते हैं, जब ईश्वर इंसान बनके इस धरती पर आया मानव जाति के मुक्ति मानव जाति को मुक्ति प्रदान करने के लिए। इस रहस्य को मनाते हैं, उसके बाद उस मुक्ति विधान के उस जिम्मेदारी को, उस मिशन कार्य को आगे बढ़ाते हुए प्रभु ने जब अपमान, निंदाएं सही, खोड़ों के मार खाए, भारी क्रूस उठाया, सूली पर मरे, मरने के बाद वो फिर तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए। इस रहस्य को हम लोग मनाते हैं। और आज के दिन में जो हम मनाते हैं प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग ग्रहण का पर्व, एक और एक रहस्य है। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ 40 दिनों तक रहे और 40 दिनों में अपने शिष्यों को इस बात का यकीन दिलाते रहे, विश्वास दिलाते रहे कि वो सचमुच मृतक में से जी उठे हैं। और यही हम सबों के लिए हमारा विश्वास का बुनियाद बन गई, यीशु मसीह का मृतक में से जी उठना। और आज के दिन में जो हम लोग इस प्रभु के पुनरुत्थान के, प्रभु के स्वर्ग रोहण का पर्व को मनाते हैं, ये पर्व हम सबों के लिए यही संदेश देता है कि एक दिन हम भी उस स्वर्ग राज्य में पहुंच जाएंगे इस दुनिया के जीवन के बाद, और हम सबों को भी वह स्वर्गीय सुख प्राप्त होगा। इसके बाद और एक रहस्य हम लोग मनाएंगे और जिस पर हम लोग अपना विश्वास हम लोग व्यक्त करते हैं, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गए, स्वर्गारोहण हुआ है और उसके बाद प्रभु फिर आएंगे। इस सत्य को हम मानते हैं, इस सत्य को हम अपने विश्वास की घोषणा में हम लोग बोलते हैं और इस सत्य के मानते हुए हम जीते हैं। यानी कि यह और एक महान अद्भुत रहस्य है। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, उसी प्रकार से वो इस धरती पर लौट के आएंगे, दोबारा आएंगे, जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए न्यायाधीश के रूप में आएंगे। ये तमाम रहस्य पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। तो आज के दिन में खास करके हम लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग रोहण पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। स्वर्ग रोहण में क्या हुआ, स्वर्ग रोहण में क्या हुआ, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 प्रसंग 9 से 11 का प्रसंग में हम पढ़ते हैं, ईसा अपने शिष्यों को देखते देखते स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर लिया। ईसा के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकाएक देख ही रहे थे कि उज्जवल वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास अचानक आकर खड़े हुए और बोले, गलीलियों, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वे उसे, आप लोग उसी तरह से लौटते हुए देखोगे। इस रहस्य को उद्घोषित किया स्वर्ग रोहण के समय। यह है दृश्य स्वर्ग रोहण का। तीसरा बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद 40 दिन इस धरती पर क्यों रहे, 40 दिन का समय क्यों लगा, क्यों 40 दिन प्रभु इस धरती पर रहे, अपने पुनरुत्थान का प्रमाण देते रहे, अपने पुनरुत्थान का प्रमाण देते रहे, शिष्यों को विश्वास में पक्का करते रहे, शिष्यों को सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार करते रहे। ये सारे कार्य प्रभु 40 दिनों में अपने शिष्यों को मजबूत करते हुए बिता रहे थे। चौथा बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, स्वर्ग रोहण की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रभु यीशु को स्वर्ग रोहण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि स्वर्ग प्रभु का निवास स्थान है, प्रभु का घर है, पृथ्वी पर उसका कार्य पूरा हो चुका था और पवित्र आत्मा को आना तभी संभव हो पाता जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं जाऊंगा और पिता से प्रार्थना करूंगा और पिता तुमको दूसरा सहायक भेजेगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग जाना जरूरी था जिससे कि पवित्र आत्मा हम सबों की मदद के लिए आए। और
और एक महत्वपूर्ण बात आवश्यकता यह है स्वर्ग रोहण की। यीशु हमारे लिए जगह का प्रबंध करने के लिए गए। प्रभु ने कहा मैं जाऊंगा पिता के पास और वहां पर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा। यानी कि प्रभु हम सबों के लिए जगह तैयार करने के लिए, यह रहस्य हम सीखते हैं। अगला रहस्य है प्रभु यीशु पिता के दाहिने बैठकर हम सभी लोगों के लिए मध्यस्थ करते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। यह है स्वर्ग रोहण की आवश्यकता। पांचवा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए, स्वर्ग में प्रभु यीशु क्या करते हैं। अब स्वर्ग में गए, धरती पर आए, अपने मिशन कार्य संपन्न किया, अब स्वर्ग रोहण हुआ, स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं। स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वहां वो क्या करते हैं, वह निरंतर हम सभी लोगों के लिए पिता से प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थ करते हैं। प्रभु करते हैं पिता के दाहिने बैठकर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी लोगों को अपने लहू की कीमत से खरीदा है, इसलिए वो प्रार्थना करते हैं। इसमें से कोई भी भटक ना जाए, ईश्वर से दूर ना जाए, ईश्वर के सानिध्य में बने रहें और अनंत जीवन का हकदार बने। इसलिए प्रभु यीशु मसीह निरंतर पिता के दाहिने बैठकर मध्यस्थ करते हैं। और सातवां बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने का, पृथ्वी पर हम सबों की क्या जिम्मेदारी है। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी प्रभु हम सबों को देखे गए। स्वर्ग की ओर हमें दृष्टि लगाना सिखा गए। आध्यात्मिक दृष्टि पाकर उचित जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हम सबों को हिदायत दी। यानी कि प्रभु हम सबों को ये बात सिखा के गए अपने स्वर्ग रोहण से, इस धरती पर रहते हुए हम प्रभु के सुसमाचार का प्रचार प्रसार करते रहें, सुसमाचार का जीवन जीते रहें, अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार को एक दूसरे के साथ बांटते रहें और एक दिन हम सभी स्वर्ग जाने लायक जीवन बिताएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए स्थान का प्रबंध करने के लिए गए हैं। स्वर्ग में निवास स्थान हमारे लिए बनाया जा रहा है, इसलिए वहां पहुंचना हमारा परम लक्ष्य है। वहां पहुंचने के लिए हम इस धरती पर उसके अनुरूप जीवन बिताने की शिक्षा प्रभु ने हमें दी है। वही शिक्षा हम लोग एक दूसरे को साथ बांटें, एक दूसरे को दें और ऐसा जीवन बिताएं ताकि एक दिन हम भी उस स्वर्ग राज्य में पहुंच जाएं। पिता के दर्शन हम कर पाएंगे, पिता के सानिध्य में अनंत सुख का जीवन हमसे भी भोग पाएंगे। वही प्रभु हम सबों की मदद करें। आइए आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपके स्वर्ग रोहण के पर्व को मनाने के संदर्भ में हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। आपने हम सबों को जो आशा, उम्मीद, विश्वास दिया है कि एक दिन हम भी स्वर्ग राज में पहुंच जाएंगे और उस स्वर्ग राज में पहुंचने लायक जीवन बिताने के लिए हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर दुआ करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आमीन।